भारत ने मुंबई के वानखेड़े मैदान पर कीवी टीम को दूसरे मैच में 372 रन से हराकर ये टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। आज के दिन की शुरुआत से ही जयंत यादव ने विकेट लेना शुरू कर दिया। एक ही टप्पे पर गेंदबाजी करते रहे और कीवी बल्लेबाज आउट होते चले गए। कीवी टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो मिचेल और निकोलस ने ही कुछ दम दिखाया। भारत की ये अभी तक की सबसे बड़ी जीत है। जी हाँ, अभी तक के टेस्ट इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है। सभी खिलाड़ियों ने शानदार काम करके दिखाया है। लाल मिट्टी के ग्राउंड का यूज भारतीय गेंदबाजों ने अच्छे से किया। भारत ने इस दूसरे मैच में पिच से जो मदद मिली है उसका शानदार फायदा उठाया। हालांकि एजाज पटेल ने भारत की पहली पारी के सभी विकेट लेकर रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी थी, लेकिन जब भारत के गेंदबाज गेंदबाजी करने आए तो वो भी कहां पीछे रहने वाले थे। किसी भी विदेशी टीम को सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कर दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 325 रनों का बड़ा स्कोर बनाया था। टीम इंडिया की तरफ से मयंक अग्रवाल ने शानदार 150 रन बनाए थे। वहीं न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में ही 62 रनों पर सिमट गई। दूसरी पारी में भारत ने 276 रनों पर अपनी पारी घोषित कर दी और वहीं दूसरी पारी में न्यूजीलैंड सिर्फ 167 रन ही बना पाई। अगर रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत की बात की जाए तो ये अभी तक की सबसे बड़ी जीत है, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराया है। इससे पहले 2015 में भारत ने साउथ अफ्रीका को 337 रन से हराया था और उससे पहले 2016 में न्यूजीलैंड को ही 321 रन से हराया था। अपनी इस बड़ी जीत के साथ भारत टेस्ट में नंबर एक की कुर्सी पर आ गया है। न्यूजीलैंड ने ही WTC फाइनल में भारत को हराकर नंबर एक पर कब्जा किया था, यानी भारत ने इसका भी बदला कीवी टीम से ले लिया। आज के दिन शुरू से ही रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर जयंत यादव ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। दूसरी पारी में अश्विन को 4 विकेट मिले और जयंत यादव को भी 4 विकेट मिले। खास बात ये रही कि जयंत यादव के चारों विकेट मुंबई टेस्ट के चौथे दिन आए, जो मैच का आखिरी दिन साबित हुआ।